थायराइड, अगर आपको पता लगता है कि आपको थायराइड है तो उस परिस्थिति में हम लोग को आगे क्या करना चाहिए या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको थायराइड होता है तो आपको डॉक्टर आपके थायराइड की दवाई चालू करेंगे। अब हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, वो ऐसी बीमारी है जिसमें एक बार थायराइड होने पर आपकी जो दवाई है वो आपको जीवन भर लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो थायराइड हार्मोन बनने की प्रक्रिया है वो बंद हो गई है, इसलिए हम लोग को बाहर से हार्मोन की गोली देके आपकी थायराइड ठीक करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आपकी गोली चालू हो, अपनी मर्जी से गोली को बंद मत कीजिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई लेते रहें और नियमित रूप से आपकी जाँच कराते रहें। जिनको थायराइड हुआ है उनको 1.5 से 2 महीने में एक बार जाँच करा लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत साल से थायराइड है और आपकी दवाई कंटिन्यू सेम डोज में चल रही है, तो उसमें 6 महीने या साल में एक बार भी आप जांच करा सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के रोगियों में थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा बार दिखाना पड़ सकता है, हो सकता है 1 महीने या 2 महीने में आपको आपके डॉक्टर को जाके उनकी सलाह लेनी पड़ सकती है। खान पान के बारे में बहुत सारी धारणा इन लोगों में है कि थायराइड होने के बाद खट्टा नहीं खा सकते या कुछ नहीं खा सकते। सो इसमें जो सबसे ज़रूरी परहेज़ इसमें जो आता है वो है कि थायराइड की गोली जो खाते हैं वो बिल्कुल भूखे पेट खानी है। ये सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म की गोली के लिए लागू है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको भी है, आपकी जो गोली है वो सुबह उठते ही बिल्कुल भूखे पेट खाएं। गोली खाने के आधे से 1 घंटे तक आप चाय, दूध, नाश्ता या जो भी अन्य चीज़ों का सेवन ना करें। उससे ही आपका थायराइड अच्छे से कंट्रोल रहेगा। उसके बाद आप नियमित रूप से संतुलित आहार का सेवन करेंगे तो बाकी किसी चीज़ में परेशानी नहीं होगी। हाइपरथायरॉयडिज्म में वैसे उसमें भी कोई ऐसे विशेष परहेज नहीं है, आप गोली खाने से पहले या बाद में भी खा सकते हैं।